आपका नाम बताइए। सतवीर शर्मा जी। आप खुश हैं? गांव का नाम तो पूरे बड़े खुशी बड़े खुश बड़े खुश हैं। हाँ जी बहुत खुश हैं। जश्न कब तक चलेगा आपका? चलता रहेगा गांधी 15 अगस्त तक चलता रहेगा। शहबाज भी चलेगा, फुल चलेगा, गांव नहीं आएगा। हाँ जी चलता रहेगा। कितने तमाम लोग आते जा रहे हैं, देख रहा हूँ भीड़ बढ़ती जा रही है जी। पूरा गांव जी, पूरा देश, बल्कि पूरे आसपास के गांव पूरे, ये गांव। हमारे साथ नीरज के दादाजी हैं। दादाजी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं जी खुशी हो रही है। हमने आज बेटे ने अच्छा काम किया और मैं अपने गांव वासियों की तरफ से, अपने देश की तरफ से सबको प्रणाम करते हैं भाई। उनका आशीर्वाद बना रहे और उनका धन्यवाद करते हैं। मैं धर्म सिंह चोपड़ा। आप दादाजी हैं नीरज के, आपने बहुत खेती करते थे, बहुत कह लीजिए नीरज के लिए बहुत तपस्या की आप लोगों ने भी, अपनी ज़रूरतें पूरे नहीं की नीरज के लिए, पूरी कोशिश सारा पैसा नीरज पे लगाया आप लोगों ने। हाँ जी औलाद के लिए, सब अपनी औलाद के लिए करते हैं जी। मैंने कुछ नया नहीं किया, सब अपने औलाद के लिए करते हैं भाई। अच्छा बने, मेरा लड़का आगे निकले तो हमने भी वो किया है भाई। आगे उसकी किस्मत ने साथ दिया, वो आज इस मुकाम पर पहुँच चुका है। आप अब तो पूरे छाती चौड़ी करके निकलेंगे, जहां निकलेंगे अब तो गोल्ड मेडल, पहला इतिहास में, पहला एथलेटिक्स में पहला जो है गोल्ड मेडल लेकर के नीरज जा रहे हैं। हाँ जी हाँ हाँ जी, हमें गर्व है और मैं सभी देशवासियों को अपने गांव की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सबको हम उनका धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें याद किया। नीरज के बताऊं आपको, नीरज के परिवार के बारे में बताएं अगर कादंबनी, तो उनके जो दादाजी थे किसान थे, छोटे किसान थे और बड़ी मेहनत की उन्होंने। बताइए जरा उनके परिवार के बारे में। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम आशू चोपड़ा है। और अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा परिवार इसी गाँव में रहता और हम एक किसान परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं और नीरज भी एक किसान परिवार से ही था और उन्होंने अपना मतलब जीवन में बहुत मेहनत की और इस मुकाम तक पहुँचे हैं।